हाय टुडे इज़ फोर्थ ऑफ जुलाई 2020 ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई 2020 के क्विज के आंसर्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल वर्थ टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरेट हुई है कंट्री में और उसमें नेट फैक्टर इनकम भी फ्रॉम अब्रॉड हमने इंक्लूड कर लिया है दैट इज़ कॉल्ड दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका कॉन्सेप्ट हमने यस्टरडे डिस्कस किया था तो द राइट आंसर इज डी कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि प्राइवेट ऑनरशिप है हर चीज़ गवर्नमेंट ओन नहीं है प्राइवेट ऑनरशिप है कैपिटल गुड्स का देन द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है इसमें डिमांड और सप्लाई दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है एज द प्राइस राइज जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है द क्वान्टिटी डिमांडेड फॉल और उसकी डिमांड फिर कम हो जाती है सो द राइट आंसर इज सी देन वॉट डू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब उस टाइम पे कितना सप्लाई अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का उस गुड्स का देन इन इंडिया विच बैंक हैज़ द हाईस्ट शेयर द राइट आंसर इज कमर्शियल बैंक देन वॉट डू मीन बाय डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ये डिमांड सप्लाई इन दोनों का बैलेंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी तो डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांड में है एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो प्राइस और टाइम इन दोनों के फैक्टर्स पे ये जो आती है डिमांड आती है तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी सो दीज आर आंसर्स ऑफ दिस सेकेंड ऑफ जुलाई नाउ थर्ड ऑफ जुलाई के क्विज़ के आंसर्स हैं द सब्सटेंस विच मेक्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड ये लिटमस टेस्ट होता है एसिड ब्लू और दिस अलकली को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं तो जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर रहा है दैट इज दिस एसिड तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड देन सेकेंड क्वेश्चन था मेजर कॉन्स्टिटुंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसमें थोड़ा और क्लैरिटी होना चाहिए था बिकॉज जो प्रोपेन और ब्यूटेन है इसका मिक्सचर भी होता है ऑस्ट्रेलिया और यू में बेसिकली प्रोपेन होती है मिक्सर यूज़ होता है न्यूजीलैंड और बेल्जियम में प्रोपेन एंड ब्यूटेन का सिक्सटीज़ टू फोर्टी इंडिया में यूजली थर्टी टू सिक्सटी होता है इस प्रोपेन एंड ब्यूटेन का इन जनरल हम ब्यूटेन बोल सकते हैं बट द मोस्ट करेक्ट द बेटर आंसर इज़ बोथ प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिक्सर फिर इसमें इथाइल और मरकेप्टेन का एक ऐड किया जाता है ताकि इसमें एक ऑर्डर आ जाए स्मेल आ जाए देन थर्ड इज़ एवरेज पी एच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड दैट इज़ सेवन पॉइंट फोर देन फिलोसफर्स उल बोलते हैं हम जिंक ऑक्साइड को और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वहाँ पे हीट एक्सो एक्सो मतलब बाहर एंडो मींस इन तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज़ इवॉल्व हो रही है वहाँ पे देन जब कुकिंग हो रहा है तो बॉटम ऑफ द वेसल में ब्लैक एंड हो जाता है आउटसाइड से ब्लैक एंड हो गया है मतलब कार्बन सूट भी है वहां पे और इसका मतलब है फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कंप्लीटली तो द राइट आंसर इज बी द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कंप्लीटली टुडे इज़ फोर्थ ऑफ जुलाई 2020 टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स थॉट ऑफ द डे भी देखेंगे हम वोकेबुलरी एंड ग्रामर ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आज समझेंगे न्यूज़ ऑफ द डे में वी विल टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर विजिट नीमू इन लद्दाख देन सेकेंड न्यूज़ वुड बी आई सी एम आर लुक्स एट वैक्सीन लॉन्च बाय ऑगस्ट फिफ्टीन डेडलाइन इन्होंने सेट किया है जेई .E. और नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को मैंडेटरी ऐसा कहा है कि नहीं करना चाहिए इंडिया में इम्पोर्ट जो है चाइना से वो हम कर्ब कर रहे हैं अभी जो पावर सेक्टर है वहाँ पे भी इम्पोर्ट कर्ब हुआ है कोविड केयर जो है ये ज़्यादा हैक्टिक होता जा रहा है डे बाय डे फॉर दिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें हम ये चैलेंजेस देखेंगे फाइव एज देन ये नागरहुल नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे नॉट द टाइम टू प्रॉफिटर प्रॉफिट करना एक और चीज होती है और प्रॉफिट करना दूसरी चीज होती है सो विद इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया सीक टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना दिस इज एनालिसिस ऑन चाइना ट्रेड देन जियो प्लेटफॉर्म सर्विस सेक्टर इटालियन मेरीन इसमें हम एडिटोरियल भी आज बात करेंगे अंक लॉस का दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हम अच्छे डिटेल में समझने वाले हैं

ट्रायल का अप्रूवल का हम इसको फॉलो करेंगे इन्फोग्राफिक्स इन कॉन्सेप्ट्स में इकोसिस्टम सर्विसेज हैं होममेड प्रोटेक्टिव फेस मास्क मानास और कॉन्सेप्ट्स में आज आई विल ट्राई टू टेल यू ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं ना ये कैसे होते हैं कॉन्टिनेंट हिल आइलैंड ओशन पेनन्सुला प्लेन प्लेटू वॉल्कनो वाटरफॉल स्ट्रेट ये सब क्या होते हैं देन विल फाइनली हैव दिस क्विज ऑफ दिस फिजिक्स सो टूडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स वी आर कवरिंग सो मैनी टॉपिक्स बट आई विल ट्राई टू मेक इट क्विक ओके नाउ दिस इज़ फोर्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट हम थाट ऑफ द डे देखते हैं दिस इज़ अ रियली गुड थाट एन सी सी यूनिट में ये लगा हुआ था मेरे अ लीडर इज बेस्ट लीडर जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है वैन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट वो उतना अच्छा नहीं होता वेन पीपल ओबे एंड अकलेम हिम वर्स होता है वेन दे डिस्पाइज हिम ये लीडरशिप के ट्रेट्स हैं क्वालिटीज़ हैं वी शुड अंडरस्टैंड बट ऑफ अ गुड लीडर एक अच्छा लीडर वो होता है जो कम बोलता है हु टॉक्स लिटिल वैन हिज़ वर्क इज़ डन उसका काम उसका बात करता है वैन हिज वर्क इज़ डन हिज़ एम फुलफिल्ड दे विल ऑल से वी डिड इट आवर सेल्फ तो लीडरशिप में एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है एम्पावर करें सबको लीडरशिप दैट लीडरशिप इज द बेस्ट वी डिड इट आवर सेल्फ ऐसा फीलिंग आना चाहिए सबको दैट इज़ अ गुड लीडर देन दिस इज वोकेबुलरी एंड ग्रामर फोर्टीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ ताकत एप्स्टेंट का मतलब है आपने वहाँ पे जाने से मना कर दिया रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग हम एब्सटेंट हो गए जैसे यूनाइटेड नेशंस में कई बार एप्सटेंट हो जाते हैं फ्रॉम वोटिंग मुंडेन का मतलब वो काफ़ी बोरिंग है रेगुलर डे टू डे वर्क हो रहा है प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आलस किसी चीज़ को अननेसेसरीली डिले करना दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट आंसर राइटिंग एवरीडे करना है मतलब एवरी डे करना है जो कंसिस्टेंसी होती है ना इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ट्रस्ट में ये श्योर शॉर्ट मेथड है सक्सेस का देन डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है डिलीजेंट देन दिस इज रेवरेंस रेवरेंस मतलब हम बहुत रेस्पेक्ट से उस चीज़ को देखते हैं पाज का मतलब है वहाँ पे पानी बहुत कम है लेस वाटर है ड्राइड अप है प्रैगमेटिक होना भी ज़रूरी है दैट इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच सेगेसिटी का मतलब होता है विजडम दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फोर बियरेंस का मतलब होता है हमने वहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड दिस फोर बियरेंस नाउ हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं सी इंग्लिश इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट लेट अस ट्राई ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना ये बहुत जरूरी होते हैं समझना जैसे एक होता है नाउन नाउन मतलब होता है नाम नाम किसी का भी हो सकता है पर्सन प्लेस थिंग आइडिया क्वालिटी तो जो भी चीज़ नाम बता रही है उसको हम बोलते हैं नाउन अब हर जगह नाम तो लिख नहीं सकते अपन तो नाम को हम कई बार रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे वर्ड से जैसे राम राम ऐसे या किसी का नाम है रहीम तो हम ये बार बार नाम नहीं लिखेंगे उसकी जगह हम उसको रिप्लेस करेंगे किसी प्रोनाउन से जैसे ही और शी या फिर प्लेस को इट से थिंग को दैट दोज आइडिया क्वालिटी इन सब को हमने दूसरे वर्ड किसी से रिप्लेस कर दिया तो वो वाला वर्ड कहलाता है प्रोनाउन तो ये नाउन है ये प्रोनाउन है रिप्लेस किया है इसने नाउन को फिर अगर वो नाउन प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहा है काम कर रहा है एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वर्ब वर्ब मतलब क्रिया सिंग आंसर प्रोटेक्ट दीज आर ऑल एक्शंस फिर एक आता है एडवर्ब एडवर्ब मतलब ये और क्वालिटी बताता है उस चीज़ का ये मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव एडवर्ब किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है जैसे पानी बह रहा है बट वो जेंटली बह रहा है ऑलवेज काम होता है बट ऑलवेज होता है अच्छा काम हो रहा है क्विकली हो रहा है अच्छा काम नहीं हो रहा है लेटली हो रहा है सो दिस इज मॉडिफाइंग दैट वर्ब तो ये हो गया एड वर्ब एड आगे लग गया तो दैट इज़ एड वर्ब तो ये नाउन प्रोनाउन वर्ब एड वर्ब अब आते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन मतलब जैसे दो वर्ड्स हैं उनको हमें ज्वाइन करना है नाम में ही लिखा है जंक्शन है मतलब किसी चीज़ को ये ज्वाइन करेगा बट एक स्टेटमेंट दिया फिर बट लगा दिया वहाँ पे, फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया तो ये कंजंक्शन हो गया कुछ एक बात बोली ऑल दो लगा दिया दूसरी बात बोली ऑल्डो हो गया बिकॉज दिस इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज दिस रीजन तो दैट इज़ बिकॉज अनलेस तो दीज आर ऑल कॉल कंजंक्शन यहाँ जंक्शन लिखा है ना मतलब ये ज्वाइन कर रहा है दो चीज़ों को फिर आता है इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन मतलब कोई एक्सप्रेशन है वो जैसे गौश ये वाओ ऑसम सो दीज आर सम एक्सप्रेशंस ये आते हैं इंटरजेक्शंस में और फिर आती है प्रिपोजिशन प्रपोजिशन भी ये होती है कि हम नाउन प्रोनाउन जो है ना नाम और इनके ये वाले इनके पहले लगाते हैं और ये उनके बीच का रिलेशन बताती है ये मॉडिफाई करती है अनादर वर्ड अक्सर जो गलतियाँ होती है ना वो प्रपोजिशन में होती है इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं ग्रामेटिकल एरर फिर आते हैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव लगाना मतलब सुपरलेटिव बना दिया द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम तो ये जो ग्रेट है दैट इज़ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है बहुत चीज़ डिफ़िकल्ट है ब्लू ग्रेट सो दिस इज़ एडजेक्टिव तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन नाम बता रहा है प्रोनाउन उसको रिप्लेस कर रहा है वर्ब एक्शन बता रहा है एडवर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा है इन सब चीज़ों को कंजंक्शन में जंक्शन लगा है मतलब जॉइंट हो रहे हैं इंटरजेक्शन मतलब एक्सप्रेशन है प्रपोजिशन उसका रिलेशन बता रही है बिटवीन बिलो फ्रॉम ये सारी प्रपोजिशन है सबसे ज़्यादा गलती प्रपोजिशन में होती है देन एडजेक्टिव बताते हैं कि आपने उसमें कुछ सुपर या एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है सो so, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउ न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं हम नाउ प्राइम मिनिस्टर विजिट नीमू इन लद्दाख सी हमें ना बहुत हॉलिस्टिकली चीज़ें आगे बढ़ना है हम बेसिक्स पहले कवर कर रहे हैं सारी एन है मतलब एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है यू नो द बेसिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिज एंड ऑल इससे हम उसमें एनरिचमेंट कर रहे हैं कोर नॉलेज पर ना लैंग्वेज की भी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी लैंग्वेज होना तो वी आर वर्किंग ऑन दिस वोकेबुलरी ग्रामर हर दिन हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं राइट एवरी डे एवरी डे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस एक महीने बाद देखना यू वुड बी राइटिंग सो गुड बहुत अच्छे आंसर्स हो जाएंगे फ्लूएंट आएगा राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट अब हम देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया है निमू इन लद्दाख में ये एक ट्रिब्यूट है टू द वैलर ऑफ अवर सोल्जर्स अभी अब जो लैंग्वेज हो रहा है ना इंडिया का ये चेंज हो रहा है इस अंडर टोन को समझना बहुत जरूरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी जो टोन था वो डिफरेंट नजर आ रहा है फॉर पास्ट वन वीक प्राइम मिनिस्टर ने कहा फायर एंड फ्यूरी ऑफ इंडियन फोर्सेज एग्जैम्पलरी ब्रेवरी वर्ड हैजेक अ नोट ऑफ अवर स्ट्रेंथ कमिटमेंट टू पीस है हम पीस लविंग हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं दैट इज़ नॉट इक्वी वेलन टू वीकनेस और एक और स्टेटमेंट दिया इरा ऑफ एक्सपांशनिज़म इज़ ओवर जैसे कंट्री अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना इसमें नोटोरियस है तो इरा ऑफ एक्सपांशनिज़म इज़ ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड हैं ये वन टू थ्री फोर ये इंडिया की जो फॉरन पॉलिसी है ना प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेंग दिस लद्दाख में जाके बोल रहे हैं मतलब पूरा इको सिस्टम अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा एक्सपेंडिचर ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्री फोल्ड हो गया है होमेज टू द कल्चर ऑफ़ लद्दाख भी अभी यहाँ पे हुआ इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की ये बात भी कही जिसके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी धरती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल देन रिजॉल्व हम करते हैं जो हमारा रिजॉल्व है इंडिया की टेरिटोरी प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को वो एज़ हाई एज़ हिमालय है हम सीरियस है डिटरमाइंड है चाइना ने मीन वाइल वार्निंग दे रहा है हमें कि डोंट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन नो पीस कैन नॉट बी अशर्ड इन बाय वीक ये एक बात होती है पीस कैन नॉट बी अशर्ड इन बाय वीक दैट इज़ वाई हमें स्ट्रॉन्ग बनना बहुत जरूरी है ओनली द ब्रेव कैन ब्रिंग पीस सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्टोन सेट कर रहा है आगे इंटरनेशनल रिलेशन्स की देन ये सेकेंड न्यूज है आई सी एम आर लुक्स एट वैक्सीन लॉन्च बाय ऑगस्ट फिफ्टीन ये उसने डेडलाइन बना दिया है कि ये कोवैक्सीन आएगा इंडिया का पहला इंडिजिनस कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है भारत बायोटेक सक्सेसफुली अभी ह्यूमन ट्रायल पर आगे बढ़ रहा है इसका डेडलाइन बना दिया है अगस्त 15 इस पर अभी सवाल भी उठेंगे आगे विल सी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल का अलाउ किया है फेज़ वन ट्रायल फ़ेज़ टू ट्रायल्स बट यहाँ हम ओवर्ट ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं और ओवर्ट ऑप्टिमिज्म इज़ नॉट राइट इंडिया इज़ नॉट अलोन वर्ल्ड में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं दे आर ट्राइंग सो हार्ड बट ऐसे डेडलाइन करके कुछ चीज़ को लॉन्च करना इज़ नॉट राइट स्पेशली जब वो चीज़ हो हेल्थ केयर इससे रिलेटेड फोर्ज डेडलाइंस होती हैं दे आर नॉट गुड और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं होती है इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन पहले लाता है इट इज़ अबाउट कौन सही चीज़ करता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन जे ई और नीट के एग्जाम्स हैं ये पोस्टपोन हो गए हैं सेप्टेंबर एग्जामिशंस में अभी सारे एग्जाम्स में अनसर्टेनिटी है क्वालिटी एजुकेशन सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ये पैरामाउंट चीज़ है एजुकेशन हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए इंक्लूसिव होनी चाहिए दैन सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये पैरामाउंट है चेंज इन एग्ज़ामिनेशन सेंटर अभी एग्जामिनेशन में ऐसा अलाउ किया जा रहा है देन फोर्थ इज़ हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को मैंडेटरी कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है प्लाज्मा डोनेशन भी हमने पढ़ा है कि जैसे ये एक पेशेंट है कोविड नाइन्टीन हुआ रिकवरी हो गई इसके ब्लड में वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ एंड ऑल जनरेट हो गया है इससे हम प्रोफाइल एक्टिक मतलब प्रिवेंशन कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन की और जिसको कोविड नाइन्टीन हुआ है उसका इलाज भी हो सकता है इस पर्सन की एंटीबॉडी से तो हम वॉलेंटरी एनकरेज कर रहे हैं कि आप जाइए अपना जो अगर आप ट्रीटमेंट हो गया है कोविड नाइन्टीन से यू आर गुड नाउ डोनेट योर प्लाज्मा इट वुड हेल्प सम वन एल्स बट ये फोर्सड नहीं होना चाहिए जबरदस्ती का काम अच्छा नहीं होता है सो ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डिनाइड इफ़ पेशेंट रिफ्यूज़ टू गिव अंडर टेकिंग दैन फिफ्थ इज़ अबाउट इंडिया वोंट इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्राम चाइना इंडिया एकदम सीन्सियर हो गया है कि हम चाइना से जो इम्पोर्ट है ट्रेड डेफिसिट है इसको हम फिक्स करेंगे जो पावर सेक्टर है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल होता है ये जो हमारी ग्रिड लाइन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है एंड ऑल दिस इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक एंड असेंशियल सेक्टर और ये वलनरेबल भी होता है साइबर अटैक पर सो इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है मीन वैल हमारा इम्पोर्ट बिल सर्ज हो रहा है इंडिया में मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी और थैंकफुली हमारे यहाँ सर्टन एक्सपर्टीज़ है पावर सेक्टर इक्विपमेंट बनाने में और विल डू दैट दैन सिक्स बहुत अच्छा आर्टिकल है कोविड केयर गेट्स मोर हैक्टिक दीज ऑल आर्टिकल्स आई एम पिकिंग फ्राम द हिंदू न्यूज़ पेपर ओनली सो कोविड केयर गेट्स मोर हैक्टिक हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ तो इम्प्रूव हुई है ओवर द टाइम बट अभी इन पर वर्क लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा कि ये ओवरवेल्म हो रहे हैं मल्टीपोल्ड हो गया है वर्क लोड तो इस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि हम पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम री करें ओवरहॉल करें वहाँ पे। एन सी आर टी एलेवेंथ इकोनमी में हमने पढ़ा था ह्यूमन जो सोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ हेल्थ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी एक हम टर्म यूज़ करते हैं कल्चर में दैट इज़ कॉल्ड आरोग्य आरोग्य का मतलब होता है होलिस्टिक वेलबिंग well सब तरीके से मेंटल फिजिकल इमोशनल एवरीथिंग इज़ गुड देन दिस इज़ कॉल्ड दिस आरोग्य अभी जो चैलेंजेस हैं इसमें एक बहुत अच्छा एक स्टडी है आई का एल शेयर दैट लिंक टेलीग्राम ये चैलेंजेस के फाइव एज हैं फ़ाइव एज क्या हैं अवेयरनेस ऑन द लैक और द लैक ऑफ़ इट अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है तो वो गलतियाँ करते हैं उसका लैक है एक्सेस और द लैक ऑफ इट एक्सेसिबिलिटी इज़ वन थिंग एब्सेंस है ह्यूमन पावर का क्राइसिस है हमारे पास शॉर्टेज है ट्रेंड मैन ह्यूमन पावर का अफोर्डेबिलिटी इज़ वन कीवर्ड और द कॉस्ट ऑफ की हेल्थ केयर ये भी बहुत ज़रूरी है अफोर्डेबल होना चाहिए कि आप उसका वहन कर पाओ अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी बहुत ज़रूरी होती है या फिर उसका लैक ऑफ इट होता है तो ये पाँच ए याद रखना है अवेयरनेस एक्सेस एब्सेंस अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी नाउ प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ये बहुत ज़रूरी है कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ केयर सिस्टम in इन इंडिया इसमें सब आप इंक्लूड कर लो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्सपर्टीज़ जो होती है वो भी ये पूरे हेल्थ केयर इको सिस्टम पर एक शॉर्ट नोट बनाते हैं इसमें क्या चैलेंजेस हैं इसमें क्या सजेशंस है आई वुड भी शेयरिंग दैट लिंक उसको भी एक बार आप पढ़ना और इनपुट्स वहाँ से लेना तो दिस इज रोबोट फ्रेमवर्क इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग एक हेल्थ केयर सिस्टम पे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है देन यहाँ बात है नागरहुल नेशनल पार्क का यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रोड पे और इससे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है अभी जयराम रमेश जी ने भी एक ट्विटर पे एक ट्वीट शेयर किया था उसमें एलिफेंट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था इस ट्रैक को रोड को और वहाँ पे बहुत पेशेंटली ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो वेट कर रहे थे दिच इज़ अ वेरी गुड थिंग तो अगर कई बार ऐसा होता है जैसे वेस्टर्न घाट्स में होता है मैन और एनिमल ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा है सामने एलिफेंट आ जाएगा या कोई एनिमल आ जाएगा और यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये ट्रैफिक इज़ नॉट गुड इसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है टाइम स्टैम्प्ड कार्ड सिस्टम होगा व्हीकल्स का ताकि यहाँ पे ओवरलोड नहीं हो इकोसिस्टम में और स्पीड लिमिट भी यहाँ पे इंश्योर की जानी चाहिए रोड किल्स जो होते हैं अक्सर क्या होता है ये जो एनिमल्स होते हैं ना ये ब्लाइंड हो जाते हैं ट्रक की लाइट पे हेडलाइट पे और फिर ये मूव नहीं करते फ्रीज नहीं करते और ये ऐसे हिट हो जाते हैं तो रिड्यूस करना बहुत जरूरी है रोड किल को फॉरेस्ट जो है अबटिंग द हाईवे स्ट्रेच हैड ऑल्सो विटनेस्ड फॉरेस्ट फायर एंड इलीगल ट्री फेलिंग विच वी नीड टू स्टॉप देन ये है नॉट द टाइम टू प्रॉफिट ईयर अभी जो टाइम है ना ये प्रॉफिट का तो हो सकता है बट मुनाफाखोरी का टाइम नहीं है ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्रोफिट ईयर जैसे एन नाइन्टी फाइव मास्क में ऑक्जीमीटर में तो जो मेडिकल डिवाइसेज होती हैं एक तो ड्रग्स होती हैं और दूसरी डिवाइसेज इक्वमेंट्स गैजेट्स होते हैं तो इन गैजेट्स में भी कई बार प्रॉफिट ईयरिंग होती है तो मेडिकल डिवाइस नोटिफाइड एज ड्रग तो दवाइयाँ जैसे नोटिफाइड है वैसे ही मेडिकल डिवाइस भी नोटिफाइड करना ज़रूरी है उनको भी हम लाएँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एन पी पी ए नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसका मैंडेट है टू इन्श्योर अवेलेबिलिटी affordability, प्राइस और इन सब चीज़ों का तो ये ड्रग को तो रेगुलेट कर रही है इन मेडिकल devices को भी रेगुलेट करना ज़रूरी है इसमें दो एक्ट आते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट नाइनटीन फोटी और ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर टू थाउजेंड एंड थर्टीन इसमें अब फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी से ये जो डिवाइसेज हैं इनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया था मतलब ड्रग कैटेगरी में उन्हें रखा गया है दिस इज़ एन टैम्पलेट ये सारे ना न्यूज़ टैम्पलेट हैं अब इसमें आपने जब भी कोई सवाल देखा तो आप उसको सबसे पहले सिलेबस से कनेक्ट करो अब उसमें एनरिचमेंट करना है तो व्हाट इज़ व्हाट डज़ इट मीन बाय एनरिचमेंट एनरिचमेंट मतलब यही तो होता है कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूज़ आइटम्स हैं उसको हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और यूज़ इट एज रेफरेंस एग्जाम्पल बैक योर आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट दैट विल मेक अ वेरी गुड आंसर दैन विद इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया सी टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग हम चाइना जो है इसमें बिकॉज बायोलेट्रल ट्रेड है वो डेफिसिट है स्क्यूड है इंडिया के लिए तो इंडिया अब चाह रहा है कि हमारा भी ट्रेड इससे बैलेंस हो यहाँ पे बीजिंग फॉर लेस डिपेंडेंट ऑन चाइनाज इम्पोर्ट बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हंड्रेड बिलियन डॉलर का ट्रेड है तो हमारा जो एट्टी है वो अराउंड सिक्सटी एट्टी वो तो इम्पोर्ट है बीजिंग हमसे बहुत कम चीज़ें इम्पोर्ट करता है तो वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है अभी हमने 59 नाइन चाइनीज़ ऐप बैन किया था ट्विटर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने शेयर किया था दिस एडिटोरियल उसमें बहुत अच्छे से बताया था इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि ऑब्वियस चीज़ों पे हम नहीं गए हमने चाइना को वहाँ हिट किया जहाँ सबसे ज़्यादा उसको ट्रबल होती है इकोनॉमिक, ग्लोबल इंटरनेशनल एंड ऑल फिफ्टी चाइनीज़ ऐप बैन किए हैं पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट अभी कैंसिल हुआ है रोड प्रोजेक्ट में नो no चाइनीज कंपनीज़ प्रोक्योरमेंट्स पे कर्ब हैं स्क्रूटिनी होगी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आप स्टार्टअप्स देखा अभी हमने एक लिस्ट देखी थी बहुत सारा चाइना का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे फाइव ट्रायल्स जो हैं इसमें चाइनीज को रखा है बट चाइना इज़ नो स्ट्रेंजर टू सच मूव्स चाइना बोल रहा है इंडिया इज नॉट डूइंग वेल ये करेक्ट नहीं है बट चाइना खुद ने ऐसा काफ़ी काम किया है वियतनाम पे चाइना ने सेंक्शंस लगाए थे जापान में जब रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है उसका सप्लाई चाइना ने बंद कर दिया था जब जापान और इसके बीच आइलैंड का डिस्प्यूट हुआ था और जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र किया था तो चाइना इज़ नो स्ट्रेंजर टू सच मूव बट अब इंडिया के साथ भी चाइना को थोड़ा लेवरेज है लेवरेज क्या है कि जो हमारे ऑटो कॉम्पोनेंट्स हैं वो मोस्टली हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं जो फार्मेसी है हमारी उसमें एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट मतलब जो रॉ मटेरियल है दवाई बनाने का वो सत्तर प्रतिशत चाइना से हमें बुलाना पड़ता है अभी चाइना ने डिले कर दिया था कस्टम क्लियरेंस में तो इसमें कुछ प्लस माइनस होंगे बट वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी होंगे उतना फ़ायदा होगा बीजिंग स्टैंड ऑफ को आउटवे करेगा या कॉस्ट ऑफ लूजिंग इंडियन मार्केट करेगा ना ये देखने वाली बात है अगर बीजिंग को प्रूडेंट रहना है प्रैक्टिकल रहना है तो इंडिया से मैस नहीं करना चाहिए उसे बिकॉज इंडियन मार्केट इज़ ह्यूज देन ये जियो प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं अभी इंटेल ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इससे पहले फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया था एंड मैनी अदर्स सर्विस सेक्टर मीन वाइल जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये भी हमने कुछ दिन पहले समझा था ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ये ये क्या होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पी हम अक्सर टर्म यूज़ करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है विच इज़ नॉट गुड थिंग बिकॉज सर्विस सेक्टर हमेशा से इंडिया का स्ट्रेंथ रहा है जब हम इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे थे एन तो उसमें एल चैप्टर पढ़ा हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये जो एल हुआ है इसने बहुत बेनिफिट किया था मैन्युफैक्चरिंग को नॉट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को बट जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर है ये बैकसीट हो गया था तो सर्विस सेक्टर भी अभी अगर सफ़र कर रहा है तो इट इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ़ वरी ये इटालियन मेरीन है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंकलॉस ट्रिब्यूनल ने जो डिसीज़न लिया है इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा ये पूरा केस क्या है एडिटोरियल भी इसी पे बेस्ड है ये लेसन्स फॉर इंडिया भी है यहाँ पे कि एक शिप थी ये मर्चेंट नेवी की शिप थी इनकी इन्होंने 20.5 नॉटिकल माइल डिस्टेंस पे था ये इंडिया की कोस्ट पे और इन्होंने इंडिया के कुछ फिशरमैन को शॉर्ट डेड कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ हाग में अभी ये डिसीजन गया ये जो वेसल था इस पर इन्होंने बोला कि इसने अंकलॉज का वॉयेशन किया है और इसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा बट इंडिया ये डिमांड कर रहा था कि ये जो इटालियन मेरीन है इनको हम अपने लॉस के अकॉर्डिंग ट्रायल करेंगे इंडिया में वो इंडिया को नहीं मिला इंडिया की कंटिग्यूअस जोन पे था ये वेसल पायरेसी का एंगल यहाँ पे रूल्ड आउट हुआ तो इंडिया को जो ट्रायल्स थे ना वो क्विक करना चाहिए बट इंडिया की प्रॉब्लम क्या होती है लेट लतीफ़ी हम तुरंत डिसीज़न नहीं लेते आ स्टिच इन टाइम इट सेव्स नाइन बट हम भूल जाते हैं फिर वही काम करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं ज़्यादा एनर्जी टाइम एवरीथिंग और फिर उतने रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं टाइम पर काम करना ज़रूरी होता है स्टेट सेंटर डिबेट चलती रही कि ये स्टेट का ड्यूटी होगा या सेंटर का होगा एन ने फिर इन्वो कर दिया सप्रेशन अनलॉफुल एक्ट का और इससे सेफ्टी ऑफ मेरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉम ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002 आ गया इसमें जो वॉयलेटर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है अब बिकॉज इटालियन मेरीन को ये रिस्क हुआ तो इससे क्या हुआ डिप्लोमेटिक फ्यूरो हुआ चार्जेस फिर बाद में ड्रॉप किए फिर ये डिले हुआ फिर तारीख पे तारीख लीगल डिप्लोमेटिक लेसन हुए हैं इंडिया के लिए अब बिकॉज अब ये सबक सीखना चाहिए कि हमें क्विक एंड टाइमली एक्शन होना चाहिए स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको तुरंत फॉलो करें अदरवाइज़ ये चीज़ें एक बार कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो फिर रिजोल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अब हमारे अंडरस्टैंडिंग का है ये अंकलॉज अंकलॉज़ ये अभी हम ओशनोग्राफी चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये हमने जोग्राफी में पढ़ लिया है ना रीड बेसिक्स बेसिक्स अच्छे होंगे ना तो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा ये बेसिक्स में ये हमारा कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट एकदम से एंड नहीं होता है ये थोड़ा पानी में जाता है और ये ओशन है तो जो बाउंड्री है उसमें कुछ इंटरनेशनल हमारे म्यूचुअली अग्रीड लॉज बना रखे हैं ये अगर बेस लाइन है ये टेरिटोरियल सी की बेस लाइन है तो इससे 12 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस तक कहलाता है टेरिटोरियल सी फिर उससे 200 नॉटिकल माइल तक जो होता है दिस 200 ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे इकोनॉमिक जोन में इनको एक्सक्लूसिव रहेगा और फिर उसके बाद का एरिया कहलाता है हाई सी और ये जो होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिग्यूस जोन इसमें अक्सर विवाद उठता है कॉन्टिग्यूस जोन में ये दिस 24 नॉटिकल माइल तक का यहाँ लिमिटेड एनफोर्समेंट जोन कहलाता है तो ये जो टेरिटोरियल सी है मतलब 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे सोवेनिटी है कंट्री की एयर स्पेस वाटर कॉलम सी बेड सब में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज यहाँ पे अलाउ हो सकता है तो ये सोवेरन स्टेट का हो गया मतलब कम्प्लीटली इंडिया का है ये देन फिर आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे सोवेनिटी रहती है एक्सप्लोर करने का एक्सप्लोइड कंजर्व मैनेजिंग नॉन लिविंग रिसोर्स वाटर कॉलम अंडरलाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब यहाँ कुछ माइनिंग एंड एक्टिविटी ऑन ऑल इंडिया को राइट्स मिले हैं तो फिर ये इनहरेंट ओवर एंड राइट्स आते हैं सी पे हम ऑयल एंड ऑल प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं वाटर कॉलम एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में फिर ये हाई सीज होता है ये ओपन होता है लोगों के लिए दिस इज़ ओपन यहाँ पे सोवरन राइट्स टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और इसके बाद नो नैशनल राइट है तो इस तरीके से अंक्लोज में हमने ये डिफाइन कर लिया कि कहाँ तक हमारा जुरिस्डिक्शन रहेगा कहाँ पर हमें एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और कहाँ पर फिर ओपन सी है हाई सी है तो ये जो शिप थी ये बहुत क्लोज आ रही थी इंडिया के ये ट्वेंटी पॉइंट फाइव नोटिकल माइल पर थी मतलब यहाँ कहीं पर थी तो यहाँ पर लिमिटेड एन्फोर्समेंट जोन हो गया कॉन्टिगूस जोन हो गया तो इसी पे ये पूरा इशू बना था विल सी दिस अगेन सेपरेटली इन ओशनोग्राफ ज्योग्राफी देन दिस इज बैंड लाइक इटली इटली से हमें दूसरा सबक भी सीखना चाहिए कोविड नाइन्टीन कर्व को मैनेज करने काउंड टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड दिस इज रीसेट रूरल जॉब पॉलिसीज रिकोगनाइज करें वमेन के वर्क को यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है लीड आर्टिकल है ये आज का इसमें लिखा है कि जो विमेन होती हैं अक्सर जब भी कोई पैंडमिक आता है डिस्ट्रेस आता है तो दे सफ़र द मोस्ट उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं फाइनेंशियल देन दिस हेल्थ केयर एंड ऑल लेबर मार्केट पॉलिसी को रिवर्स करना ज़रूरी है पेंडेमिक में जो जेंडर डिफ्रेंशिएटेड इम्पैक्ट होता है इस्पेली रूरल जॉब में विमेन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीवियर हिट हुआ है फाउंडेशन फॉर अग्रेग्रियन स्टडी इसका एक रिपोर्ट आया है एन एस ओ का डेटा भी है इसने बताया है कुछ फाइंडिंग दीज फाइंडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट जेंडर बेस्ड वेज गैप एग्जिस्ट है ये ट्रुथ ट्रुथ है दिस इज हैपनिंग जेंडर बेस्ड वेज गैप इक्वल पैसा नहीं मिलता है क्राइसिस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है इसमें वुमेन फ्रॉम ऑल सेक्शंस था इसको इंक्लूड करना चाहिए वर्क फोर्स नॉट जस्ट लेबर एंड मैनुअल वर्क को ही तभी अगर अपन पूरा ब्रॉडन करेंगे स्पेक्ट्रम देन ओनली वी वुड बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर वर्क एज पर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड जितना क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अक्सर वर्क नहीं मिलता है तो देट इज़ वाई फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ पाती है वो वर्क फोर्स फॉर एग्जाम्पल सम्बडी हेज़ डन पी जी एंड हायर स्टडीज़ एंड ऑल देन दे वॉन्ट वर्क रिलेटेड टू देयर जॉब तो जॉब भी उनको दे वांट वर्क रिलेटेड टू देयर जॉब जो उनकी स्किल्स हैं उस स्किल सेट का जॉब क्रिएट करना ज़रूरी है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काउंट ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क नाउ दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग जी डी पी में भी हमने देखा हम जी डी पी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं एस्पेशली जैसे होम मेकरज हैं तो जो डोमेस्टिक वर्क हो रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और ये जो डोमेस्टिक होम मेकर में जो घर के घरेलू काम भी होते हैं बहुत सारे ये भी एक बहुत सीरियस काम है दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट हम इसको काउंट नहीं करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इन्हें देन लॉकडाउन जो है इसने डिमांड स्लप हुआ है स्लम्प हुआ है एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे फिशरी पोल्ट्री एंड ऑल अलाइड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे भी डिमांड स्लम्प है तो इससे क्या फ़र्क हुआ ये लेबर दिस शॉर्टेज हो गया जॉब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया लॉकडाउन से नॉन एग्रीकल्चरल जॉब थे उसमें भी सडन हॉल्ट आ गया तो प्रॉब्लम तो ये डबल वेमी हो गई जॉब्स ही नहीं है कहीं पे भी और जो वूमेन वर्कफोर्स है ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है फिर इनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है ये भी सीवियर हो गया है तो इट इज़ टाइम कि वी ड्रॉ अ न्यू मैप एक नया रोड मैप बनाएँ और हम री करें रूरल लेबर को मार्केट को इसको इंक्लूसिव बनाना बहुत ज़रूरी है इक्वल वर्क इक्वल वेजेस एंश्योर करना इज़ इम्पॉर्टेंट काम अगर कोई बराबर कर रहा है तो इट डजेंट मैटर वो मैन है या वुमेन है उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए इक्वल वर्क इक्वल वेजेस और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ बहुत अच्छा लाइन दिखा है इट इज़ टाइम फॉर वुमेन टू बी सीन एज इक्वल पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इकोनमी नाउ ये पूरा जो सेक्शन है ना ये सोसाइटी एंड ऑल जीएस पेपर वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर एक सवाल आया था 2019 व्हाट आर द कॉन्टीन्यूट चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वॉट आर द कॉन्टीन्यूट चैलेंजेस फॉर वेमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस ट्राई टू राइट अ शॉर्ट आंसर दिस इज द क्वेश्चन नाउ फिफ्टीन वन इज़ वॉट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अ वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगता है यूजली वाट्स द कोविड नाइन्टीन टाइम लाइन ये हमने जैसे 15 अगस्त डेडलाइन कर दिया है तो क्या ये फिजिबल है या नहीं है ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन है अगर अपन कोविड 19 की वैक्सीनेशन कैंडिडेट देखें ना नो नीड टू रिमेंबर देम ये बहुत सारे हैं जो सक्सेसफुल होगा विल रिमेंबर दैट नेम बट सी सो मेनी कैंडिडेट्स आर हियर और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अभी स्टेजेस पे हैं ट्रायल के तो ये ट्रायल के स्टेजेस क्या होते हैं नो दिस वी शुड अंडरस्टैंड कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है कई बार वैक्सीनेशन आने में डेकेड्स लग जाते हैं सालों डेकेट्स टेन टेन ईयर्स लग जाते हैं स्टेज वन में होता है आर एन डी सबसे पहले होता है हम उसको वायरस स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं समझते हैं प्रोटीन्स एंड ऑल देखते हैं फिर स्टेज टू में आते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब प्री क्लिनिकल अभी वर्क हो रहा है स्टेज थ्री जब आता है तब क्लिनिकल ट्रायल्स और इन सब स्टेजेस में टाइम लगता है सालों लग जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स होता है इसमें फेज़ वन में स्मॉल ग्रुप को हम टेस्ट करेंगे फिर कुछ हंड्रेड्स को देखेंगे फिर कुछ थाउजेंड्स को देखेंगे देन फिर स्टेज फोर आएगा जिसमें रेगुलेटरी अप्रूवल होगा तो इंडिया में कुछ लोगों को ये रेगुलेटरी अप्रूवल भी दे दिया है फिर स्टेज फाइव आएगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है फिर स्टेज सिक्स में आती है क्वालिटी कंट्रोल सो दिस इज़ अ वेरी एलेबोरेट प्रोसेस ये बहुत लेंदी है बिकॉज ये ज़रूरी भी है बिकॉज मेडिसिन इज समथिंग जो लाइफ और डेथ का मामला होता है यहाँ पे तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकेंड आया कौन करेक्ट आया था आई यू सी एन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ यूएनईपी ने इको सिस्टम क्या होता है जैसे इसमें ये मैनग्रुव्स होते हैं ये जो मैनग्रुव् होते हैं ये बहुत बेनिफिट करते हैं ये हमने स्पेशली अभी देखा साइक्लोन अम्फन के टाइम पर यह हाईलाइट हुआ था मैनग्रूव से क्या होता है जो डिजास्टर्स हैं सुनामी हैं साइक्लोन्स हैं ये थोड़े डैम्पन हो जाते हैं तो यहाँ इनके क्या सर्विसेज दे रहे हैं ये सी वेरी गुड पॉइंट्स राइट इट एज़ इट इज़ इन योर आंसर यू विल गेट वेरी गुड पॉइंट्स पहला है वुड वुड मतलब इट्स की डेंसिटी मेक्स मैनग्रूव वुड अ वैल्यूड सोर्स ऑफ टिम्बर भी है और फ्यूल भी है जलाने के काम पर भी और दूसरे लकड़ी के काम में भी मैनुफैक्चरिंग में ये काम आता है टिम्बर एंड फ्यूल तो पहला इज फ्यूड दूसरा है लाइवलीहुड 120 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसने रोजगार दिया है नियर मैनग्रोव में फिर मैनग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज है इतने बिलियन डॉलर का ये पर ईयर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है देन क्लाइमेट रेगुलेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल है मैनग्रोव का ये तीन से ज़्यादा थ्री टू फाइव टाइम्स हायर है ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट का विच इज़ वेरी गुड थिंग कार्बन को ये सिक्विस्टरेशन कर रहा है स्ट्रॉन्ग कार्बन स्टोरेज है सॉइल में सी ओ टू मैनग्रोव लॉस कुड बी एज हाई एज एनअल एमिजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सो दैट इज़ वाई मैनग्रोव का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है फिर ये फिशरीज़ है तीन हज़ार से ज़्यादा फिशरीज यहाँ पे मिलती है मत्स्य संपदा योजना टूरिज़्म अट्रैक्ट करता है यहाँ पे बोट टूअर्स बोट क्याकिंग फिशिंग होती है वाटर फिल्टरेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है ट्रीट एफलेंट्स एंड ऑल कोस्टल प्रोटेक्शन में ये होता है ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम माना जाता है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्रेक वाटर्स होते हैं नाउ सी आपसे प्रश्न पूछा था एक बार मैंने ये पूछा भी था मैनग्रोव की यूटिलिटी बतानी है इफ़ सम्बडडी हैज़ रिटन दीज पॉइंट्स तो इमेजिन उसको कितने अच्छे नंबर मिलेंगे वुड लाइवलीहुड मैनग्रोव क्लाइमेट रेगुलेशन फिशरीज़ टूरिज्म, वाटर फिल्ट्रेशन एंड दिस कोस्टल प्रोटेक्शन दिस इज़ वेरी वेरी नाइस देन यहाँ पे दिस माइगोव ने ये बताया है कि एडवाइजरी है होम मेड प्रोटेक्टिव फेस मास्क में कि सूटेबल फॉर कॉमन पीपल होना चाहिए मेडिकल कंडीशन एंड ऑल है देन अवॉइडेड नॉट रिकमेंडेड फॉर हेल्थ वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है तो ये होम नहीं लें ये जो डेडिकेटेड एन नाइन्टी मास्क होते हैं वो यूज़ करें सोप एंड हॉट वाटर से प्रॉपर्ली वॉश करना ज़रूरी है और उसको ड्राई भी करें क्लीन क्लोथ से बनाना जरूरी है यूज्ड क्लोथ से नहीं बनाएं। नो शेयरिंग ऑफ फ़ेस कवर ये शेयर नहीं है यहाँ पे शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग ओके यहाँ पे शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग एजुकेशन में शेयरिंग इज़ केयरिंग बट यहाँ शेयरिंग इज़ नॉट गुड वुड हैव सेपरेट होना चाहिए सबका फेस कवर ये एम e. ने ट्वीट किया है ये जो है ना ये मानस है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं टाइगर पिग्मी हॉक बड़े इंपॉर्टेंट है पिग्मी हॉक इंडियन राइनोसोरस और इंडियन एलिफेंट भी मिलता है मानस कहाँ पर है ये बताओ आप देन दिस इज़ प्लास्टिक के बारे में एक बहुत अच्छा ट्वीट है दिस इज़ अबाउट माइक्रो प्लास्टिक ये भी हमने संडे को बहुत डिटेल में देखा था सी अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना न्यूज़ तो हम हर चीज़ कवर करेंगे आज नहीं तो कल बट वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग सो रेगुलरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं ये फाउंड होते हैं वाटर में ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स ये टाइनी प्लास्टिक होते हैं ये पॉल्यूट करते हैं ये अगर जब फिश इनको खा लेती है इनके अंदर हो जाता है तो ये फूड साइकिल में आ जाता है ओपन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट सो दैट इज़ वाई से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार यूज करके फेंक देते हैं वो वाला सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं होना चाहिए प्लास्टिक कम्स बैक टू ईच वन ऑफ अस आज जो कॉन्सेप्ट है इसमें लेटेस्ट लर्न अबाउट सर्टेन लैंडफॉर्म इसका एक काफ़ी अच्छा फ्लैश कार्ड है जैसे ये आर की पैलागो है ये भी वर्ड हमने देखा था ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना दीज आर कॉल्ड आर की पैलागो जैसे इंडोनेशिया में जापान में देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स तो दीज आर कॉल्ड आर की बे क्या होता है दिस इज़ कॉल्ड बे ये ओपनिंग है बट ये यहाँ पे थोड़ा नैरो है दिस इज़ बे कैनियन क्या होते हैं जैसे ग्रांड कैनियन है यूएसए में हम देखते हैं दीज आर ऑल कॉल्ड कैनियन ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं अभी जोग्राफ़ी का आई विल कवर दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है वो लैंडफॉर्म ही है उसमें और डिटेल में ये सारी चीज़ें देखेंगे दिस इज़ जस्ट अ प्राइमर केव होती है मतलब ये गुफ़ा है ये कोस्टल लैंडफॉर्म में ऐसे केव बन जाता है वाटर हिट करता है और यहाँ से मिट्टी निकल जाती है और फिर ऐसे केव फॉर्म हो जाता है दिस इज़ कॉल कोस्ट ये कोस्ट होती है ये भी बहुत सारी डिफरेंट कोस्ट हो सकती है रिया कोस्ट डालमेशियन कोस्ट एंड ऑल देन दिस इज़ कॉन्टिनेंट जैसे ये पूरा है ये एक कॉन्टिनेंट है ओके देन दिस इज डेल्टा जैसे सुंदरबन डेल्टा है यहाँ से रिवर आ रही है सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है और यहाँ पे ऐसे डेल्टा बन गया इसके भी जोग्राफी में एल टेल की बर्ड फूड डेल्टा क्या होता है क्यूसपेट डेल्टा क्या होता है आर्कवेन क्या होता है आर्कुट क्या होता है विलसी we'll देन ये डेजर्ट्स हैं जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है दीज आर डेजर्ट्स यहाँ पर पानी कम होता है यूजली और यहाँ पर यह हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं तो टेम्परेचर इज नॉट अ क्राइटेरिया एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल बताइए आप देन ये ग्लेशियर्स हैं आइस यहाँ पर बनी हुई है ये हिल है दिस इज स्मॉल हिल ये आईलैंड कहलाता है मतलब एक लैंडफॉम है और उसके चारों तरफ पानी है इसके भी टाइप्स हो सकते हैं कॉन्टिनेंटल है कोरल है टेक्टोनिक वॉलकैनिक ओरिजिन है एंड ऑल ये स्थमस होती है स्थमस मतलब जैसे ये लैंड फॉर्म एल वन है ये लैंड फॉर्म एल टू है इसको इसने ऐसे ज्वाइन कर दिया दैट इज कॉल्ड दिस स्थमस ओके देन दिस इज लेक लेक मतलब ये एक पानी का एक बॉडी है स्टोर्ड यहाँ पर है ये एक माउंटेन है दिस इज माउंटेन दिस इज ओशन Ocean, ये ओशनज है ये पेनन्सुला है पेनन्सुला मतलब इंडियन पेनन्सुला जैसे ये लैंड है ये प्रोजेक्टेड इन सी है सो दिस इज कॉल्ड पेनन्सुला ये पेनन्सुला है दिस इज प्लेन ये पूरे प्लेन्स है प्लेटू मतलब ये माउंटेन बन रहा था ऊपर से ऐसे फ्लैट हो गया दैट इज कॉल्ड टेबल लैंड तो दिस इज़ प्लेटू ये पॉन्ड है ये रिवर है दिस इज़ रिवर ये कहलाती है स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब ये वाटर बॉडी W1 है ये वाटर बॉडी W2 है और इसको कनेक्ट कर दिया है दैट इज़ वाटर का नैरो चैनल है ये स्ट्रेट है इसका भी एग्जाम्पल बताइए ये वैली है ये वॉल्केनो है और ये है वाटरफॉल इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है एग्जाम्पल बताइए वाटरफॉल का स्ट्रेट का एग्जाम्पल बताइए देन पेनन्सुला ओशन और यहाँ पे इस्थमस का एक एग्जाम्पल बताइए ओके देन डेल्टा का एग्जाम्पल एंड दिस आर की पैलाजो एंड बे ओके सो दीज आर सर्टिन लैंडफॉर्म्स जोग्राफी के लिए ये अच्छे इम्पॉर्टेंट है अब हम आज देखते हैं फिजिक्स का क्विज़ ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड आता है ना उसमें आजकल ऑप्टिकल फाइबर दे रहा है बी तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्कस ऑन विच ऑफ़ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स कौन सा प्रिंसिपल यहाँ लगता है Bernoulli, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टी आई आर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ द राइट आंसर टेल दिस देन सेकेंड है ये फर्स्ट था ये सेकेंड है विच ऑफ दीज इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है जैसे ये बॉडी सर्फेस अन ईवन है यहाँ पे भी दूसरी बॉडी अन ईवन है ये बी वन है ये बी टू है तो ये इंटरलॉक हो जाएगा तो ये एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करेंगे मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है अगर स्लिप ज़्यादा होगा ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा अगर बीच में से लुब्रिकेंट आ गया है तो वो स्लाइड स्लिप होने लग जाएगा

है ना अगर ये रोटेशन बढ़ गया एक्सेलरेट हो गया ग्रेविटी एट द पोल्स अगर रेट ऑफ रोटेशन जो है वो बढ़ गया तो पोल्स पे मतलब नॉर्थ और साउथ में क्या इम्पैक्ट आएगा नो इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज और ज़ीरो मर्कोरी बैरामीटर क्या होता है किसने इन्वेंट किया पास्कल बर्नॉली आइंस्टीन और दिस टॉरिसली एंड देन नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ़्लोटेशन फ़्लोटेशन होता है ना बॉयंसी एंड ऑल शिप बैलून सबमरीन तो नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में करेक्ट क्या है देन फॉलोविंग मेटल्स में कौन सा मेटल हम यूज़ पहले करते थे इलेक्ट्रिक बल्ब में पहले जो बल्ब आते थे ना ऐसे येलो कलर के होते थे उसमें ऐसे ऐसे एक फिल्मेंट होता था ये कौन सा यूज़ करते थे कॉपर सिल्वर निकल और टंगस्टन सो दिस इज़ नंबर सिक्स ये नंबर फाइव है ये नंबर फोर है ये नंबर थ्री है दिस इज़ नंबर टू और दिस इज़ नंबर वन सो दिज आर सिक्स क्वेश्चन ओके सो दिस इज फिजिक्स क्विज आज लैंडफॉम्स देखें मानस प्लास्टिक होम मेड फेस मास्क इको सिस्टम ये स्टेजेज हैं ट्रायल के ये सवाल ट्राई करिए आंसर करिए वॉट आर द कॉन्टिन्यूड चैलेंजेस फॉर वेमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड देन बैंड इट लाइक इटली रीसेट करें रूरल जॉब पॉलिसीज़ को लेसेंस फॉर इंडिया दिस इज दिस इज दिस कॉन्टिग्यूअस जोन एंड अंक्लॉज इटालियन मरीन सर्विस सेक्टर पी के बारे में एक छोटा सा नोट नोट प्रिपेयर करिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है जियो प्लेटफॉर्म चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज़ प्रॉफिट वर्सेज प्रॉफिट ईयरिंग नागरहोल ये फाइव एज हैं इसका मैं लिंक अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा एक शॉर्ट नोट बनाना है हेल्थ केयर सिस्टम हियर इन इंडिया चैलेंजेज एंड सजेशंस देन दिस इज़ इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्राम चाइना ये है आपका कॉन्वलसेंट जबरदस्ती नहीं जेई नीट आई सी एम आर वैक्सीनेशन अगेन फिफ्टींथ ऑफ अगस्त डेडलाइन है बट ये फोर्सड नहीं होना चाहिए ये एक हमने बहुत क्लियर मैसेज दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा ये वो कैबुलरी था अ गुड लीडर एंड दिस इज फोर्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ